हेलो दोस्तों, आज हम आपको हमारे होम गार्डन पे किस तरीके से रोज़ को पॉट में लगाया जाता है उसके बारे में हम मतलब लगा के दिखाएंगे। देख लीजिए दोस्तों, ये हमने कुछ दिन पहले ही ये फ्लावर्स को पॉट में लगाया था। कितना अच्छे से आ रहा है, सावंती है। देखिए, दो कलर की सावंती हमारे पास अभी है, मेरी गोल्ड है। देखिए दोस्तों, कितना अच्छे से आ रहा है। ठंडी का सीज़न होने की वजह से हम अभी ज़्यादा फ्लावर लगा नहीं पाए हैं। ये ठंडी के सीज़न का फ्लावर है, सावंती। और देखिए, इंडोर फ्लावर जो कलंजिया है वो इंडोर भी रख सकते हो आप, आउटडोर भी रख सकते हो जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा ना हो। देख लीजिए दोस्तों, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और कुछ दिन पहले हमने राई के सीड्स को लगाया था पॉट में। देख लीजिए दोस्तों, कितना अच्छे से आया है। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कैसे लगाया है। देखिए, अभी ये आपका 10 दिन पहले का है। 10 दिन पहले हम लगाए थे इसको, और जो भरा भरा दिख रहा है वो हमने 15 दिन पहले लगाए थे। हाँ, देख लीजिए, 15 दिन पहले लगाए थे। कितना अच्छे से आ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आपका 6 इंच का पॉट है, 3 फुट लंबा है। देख लीजिए दोस्तों, प्याज जो है हमने निचली हिस्से को काट के लगाया है। कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमने ऊपर भी लगा रखे हैं हैंगर पे, हैंगिंग। हमारे पास जो वेस्ट पॉट था उसको हमने यूज़ करके प्याज को लगाया है। तो अब देखिए दोस्तों, ये मिट्टी है, हम इसमें अभी कंपोस्ट ऐड कर चुके हैं। कंपोस्ट मिक्स किया हुआ मिट्टी है, इसमें हम कोकोपीट मिक्स कर रहे हैं जो कि मिट्टी को लूज़ होने में हेल्प करता है और वाटर को भी एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे आपका पौधा जल्दी सूखेगा नहीं। किसी दिन हम भूल जाते हैं पानी देना, कहीं पर बिजी हो जाते हैं, तभी भी चल जाता है। देख लीजिए दोस्तों, होल है, पॉट में होल होना ज़रूरी है। होल करने के बाद इस तरीके से डालिए। हमारा ये वेस्टेड पॉट है, फिर भी हम इस पे लगा रहे हैं क्योंकि गुलाब जो है कैरी में है, इसलिए कैरी को हटा रहे हैं। अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर रहा है, इसलिए अब देखते हैं दोस्तों ये गुलाब सर्वाइव करता है कि नहीं करता है, किस तरीके से सर्वाइव करता है। आराम से निकाली है, नहीं तो कहीं टूट भी जा सकता है। बहुत लूज मिट्टी, बहुत लूज होता है इसका। देख लीजिए, मिट्टी निकल गया मेरे हाथ से। आराम से निकालिए इसको, आराम से बीच में सेंटर में करके रखना है, चारों तरफ खाली रखना है, जो कि आपको कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया हुआ जो मिट्टी है उसको डालना है। देख लीजिए दोस्तों, कितना अच्छा, कितना प्यारा दिख रहा है गुलाब। ये हमने 2 दिन पहले ही नर्सरी से खरीद के लाए हैं, अभी इसको हम पॉट में लगा रहे हैं। कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, आपको मिट्टी पूरा नहीं डालना है, कम से कम 1.5 इंच से 2 इंच का जगह छोड़ना है, क्योंकि वहाँ पर आपको पानी भी डालना होता है। अगर आप ज़्यादा मिट्टी भर देंगे तो पानी देने का जगह नहीं होगा, और ऊपर से कोकोपीट देना ज़रूरी है क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है और पौधा हमेशा खिलता रहता है। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियोस देखने के लिए। हम आपको आगे भी दिखाएंगे किस तरीके से जो है प्लांट्स को लगाया जाता है, प्लांट्स के सीड्स को उगाया जाता है, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।